गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रवि कुमार, स्वागत करता हूँ हमारे भारतीय सभी चैनल में। मेरे साथ बने रहिए, आगे मैं आपको बताऊंगा आज कुछ खाना खबरों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झारसुगड़ा म्यूनसिपालिटी अंतर्गत कापूमाल में जंगली बरहा के हमले से गौरी नायक और उनकी बेटी बिमला घायल होने की सूचना मिली। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे के अवसर पर बीटीएम में स्थित डिग्निटी वृद्धाश्रम में जिला स्वास्थ्य विभाग, जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन और हेल्थ हेज इंडिया की ओर से एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। ब्रजराजनगर विधायिका अलका महंती बिलपहाड़ का दौरा कर हवा में टूट गए आहार केंद्र का स्थिति को देखने के साथ जल्द से जल्द रिपेयर करने के लिए निर्देश दिए हैं। बंदवाहल पंचायत में डीएमएफ फंड से निर्माण होने जा रहा कल्याण मंडप की जगह का तय करने को लेकर दो समूहों के बीच में विवाद हो रहा है। ब्रजराजनगर विधायिका अलका महंती पहुँच कर दो समूहों के लोगों को समझाने की कोशिश की। लेकरा ब्लॉक अंतर्गत पुलेमुरा में लोक मुक्ति संगठन की ओर से जंगल वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा संशोधित नियम 2012 के संबंध में दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। कई दिनों की मांग के बाद नए ई ब्रिज निर्माण के लिए डीपीआर तैयार के कारण सोइल टेस्ट किए जाने की सूचना मिली। बार बार पावर कट का विरोध कर लवीरा बीजेपी मंडल की ओर से रैली करने के साथ सेक्शन ऑफिसर को एक गवर्नमेंट सौंपा गया। लखनपुर बहराकुड़ा चौक पर रोड साइड में तीन व्यक्ति बाइक को खड़ा कर बातचीत करने के दौरान एक ट्रक तेज रफ्तार से आकर टक्कर मारकर फरार हो गया। इस एक्सीडेंट में कोई भी घायल नहीं हुआ। बड़माल चौक पर बड़माल पुलिस की ओर से गाड़ियों की जांच करने के दौरान शराब पीकर ड्राइविंग कर रहे एक व्यक्ति के लाइसेंस कैंसिल करने के साथ उस व्यक्ति के नाम पर एक मामला दर्ज किए जाने की। सरबाहा में पश्चिम उड़ीसा एकता मंच हरसुआ शाखा की ओर से आने वाले 8 अगस्त को होने वाले समलपुरी दिन के लिए पद्मश्री जितेंद्र हरिपाल को निमंत्रित किया गया।